हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब भाई। आज आपके लिए लेके आ गए एक्सयूवी 4XL। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल एक्सयूवी है पेट्रोल डीजल भाई, ईवी और जो लेटेस्ट वाला है इसमें भी दो आ चुके हैं अभी तक। एक पुरानी एक्सयूवी 4XL आती थी ईवी, ये इसका लेटेस्ट वाला जो अभी न्यूली लॉन्च हुआ है वो वेरियंट आज अपने साथ खड़ा हुआ है। आज अपने साथ जो इसका वेरियंट खड़ा है ये EL ऑप्शनल प्रो खड़ा हुआ है, बिल्कुल टॉप एंड लाइन जो वेरियंट आता है वो खड़ा हुआ है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो पहले फीचर्स की बात करेंगे और लास्ट में प्राइस की बात करेंगे, तभी प्राइस क्योंकि इसके फीचर्स को जस्टिफाई भी करेंगे। चले तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको हमें इस कार में क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है। भाई कार को सामने से अगर फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले चौड़ाई की बात कर लेते हैं हमेशा की तरह, तो 1821 mm की विड्थ मिल जाती है। अब आप चीजें देखेंगे सामने से, सारे स्पेसेस बंद हो चुके हैं जो कि ये बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट कर देते हैं कि हमारे सामने एक ईवी कार खड़ी हुई है। मतलब प्रॉपर आगे से फील आ जाएगा इस तरह की ग्रिल व्रिल सब देख के, हाँ भाई ईवी चला रहे हैं, ईवी कार सामने से जा रही है। हेडलाइट्स की बात कर लेते हैं तो रिफ्लेक्टर एंड मिल जा रहा है, प्रोजेक्टर लो बीम के लिए, रिफ्लेक्टर हाई बीम के लिए, और दोनों के दोनों किसमें मिल रहे हैं तो हेलोजन में मिल रहे हैं, LED सेटअप नहीं है। इंडिकेटर की बात करता हूँ, हेलोजन में है, लेकिन ये जो देख रहे हो ना ये DRL पूरा LED वाली आपको मिल जा रही है। नीचे फॉग लैंप यहाँ पर देखने के लिए मिल जा रही है, सेम सेटअप इधर मिलेगा, इधर अलग अलग थोड़ी दे देंगे भाई। ओवरऑल इस तरह का फ्रंट में आपको व्यू मिल जा रहा है, स्कूप बिस्कूप से एकदम भारी भरकम जो कार आप कहते हो ना वो बिल्कुल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। अगर लेंथ की बात करूँ ना तो कार की लेंथ अब हाँ भाई थोड़ा सा बढ़ चुकी है, और कितनी बढ़ गई है तो इसकी लेंथ अब हो गई है 4200 mm, 4200 mm, 4 मीटर से ज़्यादा हो गई है, इसीलिए प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा है इसका। भाई अगर व्हील बेस की बात करूँ, जब इतनी लेंथ बढ़ गई है तो व्हील बेस भी तो बड़ा होगा, अगर लेंथ बढ़ा दी अंदर स्पेस ही नहीं मिल रहा तो फायदा क्या। तो भाई इसका जो अब स्पेस हो गया है ना व्हील बेस, वो हमें 2600 mm का देखने के लिए मिल जा रहा है। अब आप एक बात सोचिए, एक 5 सीटर कार में अगर आपको 2600 mm का व्हील बेस मिल जा रहा है तो और क्या लोगे भाई। बाकी साइड में और चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आप ORVM, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, फोल्डेबल इंडिकेटर ऑन, ORVM, सारी बेसिक सी बातें, बिल्कुल टॉप एंड लाइन वेरियंट है क्योंकि, और आप ऊपर रूफ दे रहे हैं, मतलब डुअल टोन में क्या प्यारी लग रही है कार यार, एकदम मतलब फुल पैसा वसूल वाली चीज़ है। ऊपर रूफ रेल कंपनी है, आपको यहीं पर कंपनी से ही देखने के लिए मिल जाती है। A+, B+, C+ सारे ब्लैक्ड आउट हैं, रगेड फील है, स्पोर्टी फील आपको देते हैं। भैया अगर आप इस कार को स्पोर्ट्स मोड पर डाल के चलाएंगे भी ना तो भी आपको पता चलेगा हाँ भाई सही में स्पोर्ट्स फील दे रहे हैं, चलाने में भी स्पोर्ट्स वाला आनंद आ रहा है। जो डुअल टोन का कलर यहाँ है वो आप नीचे देखेंगे, साइड में क्लैडिंग पे भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। टायर्स की अगर बात करूँ क्या मिल रहा है, कौन से अलॉयज हैं, तो आप देख सकते हैं 205/65R16 16 इंच के टायर मिल जा रहे हैं, डी कट अलॉयज के साथ, बहुत बढ़िया है। ऑल फोर डिस्क पे, पीछे भी डिस्क है आगे भी डिस्क है, ऑल फोर डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जा रहा है, क्या कहना है, अलॉय तो मतलब डी कट अलॉयज इस तरह के जबरदस्त। और देख रहे हैं महिंद्रा का लोगो, डुअल टोन वाला कलर अपना बेहतरीन, बाकी ब्लैक क्लैडिंग रगेड फील देने के लिए बेहतरीन लगती है। पीछे आते हैं कार में, रियर में हमें क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है तो आप देखेंगे शार्क फिन एंटीना कंपनी हमें यहाँ ऑफर कर दे रही है, स्पॉयलर दे दे रही है, रियर डिफोगर, वॉशर यूनिट, सारी बेसिक चीज़ें। रियर में आपको कैमरा भी देखने के लिए मिल जाता है, अंदर बैठ के मैं आपको इसकी क्वालिटी भी दिखा दूंगा। अगर रियर की लाइट की बात करूँ, डिफ्यूज LED की फॉर्म में आपको यहाँ पर लाइट देखने के लिए मिल जाती हैं। बाकी सेंसर की बात करें, 2 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्किड प्लेट ग्रे कलर में, और 2 पॉइंट आपको रिफ्लेक्टर भी यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी जो भाई ये EV और कलर, मतलब ऐसा लग रहा है देश की मिट्टी वाला कलर नहीं होता, जो अपना मिट्टी अर्थ वाला जमीन से जुड़ी हुई गाड़ी टाइप, उसका बिल्कुल कलर आपको XUV400 EV की वेजिंग यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। बाकी आप कहीं भी कार परचेस करना चाह रहे हैं तो आप कानपुर में श्री तिरुपति ऑटो महिंद्रा से भी परचेस करते हैं, ये यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी है, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपको कार अवेलेबल भी हो जाएगी और आपको अच्छे प्राइजेस मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरह से था ओवरऑल 360 व्यू इसका। बाकी हाँ, 360 व्यू कंप्लीट ना हुआ भाई अभी, क्योंकि अभी अपना बूट ओपन नहीं हुआ है। जब मैं इसके बूट को यहाँ से ओपन करता हूँ तो बात आती है बूट स्पेस की, 378 लीटर का बूट स्पेस आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है, बहुत बेहतरीन बूट स्पेस है, अच्छा बूट स्पेस आपको देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन आप ये मत सोचिएगा इसमें कोई भी स्टेपनी नहीं आएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली आपको यहाँ पर स्टेपनी मिल जा रही है। जैसे टियागो EV आप कोई भी कार लेने जाते हैं तो वहाँ पर आपको स्टेपनी नहीं देते हैं भाई, पंचर किट दे देते हैं, मतलब आज के ज़माने में कौन पंचर बना लेगा भाई, वो चीज़ नहीं सही है। मतलब इस पर काम करना चाहिए और इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, इसीलिए महिंद्रा ने ये बहुत बढ़िया किया, साथ में स्टेपनी दे दी, बहुत बेहतरीन है। बिना भाई कौन पंचर जोड़ लेता, आधे से ज़्यादा लोग नहीं जोड़ पाते, स्टेपनी चेंज सब कर लेंगे भाई, जैक उठाया, 4 नट खोले, 4 का से वापस फिट गाड़ी बिल्कुल। चलिए तो आप इसे करते हैं बंद और गाड़ी का कुछ इस तरह से हो जाता है हमारा 360 व्यू। बाकी कार को चार्ज कहाँ से करना है तो भाई यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, वो आगे की तरफ जो यहाँ पे था ना यहीं पे इसका चार्जिंग वार्जिंग का सारा सिस्टम लग जाता है, चार्जर वार्जर। चलिए अब कार के अंदर चलते हैं, अंदर चलने के लिए चलना पड़ेगा अपनों को ड्राइविंग साइड गेट की तरफ,
तो आते हैं भाई इधर से, इधर जगह कम थी, बाकी रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जा रहा है क्योंकि भाई टॉप एंड लाइन वेरिएंट है तो यार चाबी अभी थोड़ी लगाओगे, सेंट्रल लॉकिंग तो मिल ही जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी देखने के लिए मिल जाता है। आप कार में अंदर बैठ जाते हैं, अंदर से भी तो देखें, लेकिन अंदर में बैठने से पहले मैं आपको ड्राइवर साइड गेट दिखाना चाहूंगा। ड्राइवर साइड गेट देखेंगे तो वेज एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में मिल जा रहा है, आपको रिफ्लेक्टर मिल जा रहा है जिससे कि गेट खोलें तब भी यहाँ पर वर्क करे। ग्लॉसी ब्लैक, ये बहुत जबरदस्त लग रहा है, मतलब लिटरली आप देखेंगे ना आप अपनी आंखों से, बहुत बेहतरीन लग रहा है। ये सारा सॉफ्ट टच है, ऑल फोर पावर विंडोज मिल जा रही है। ड्राइवर साइड ऑटो डाउन है, ऑटो अप नहीं है, ऑटो डाउन है केवल। ये क्या हो गया अपना, चाइल्ड सेफ्टी लॉक नहीं, सेंट्रल लॉकिंग हो गई, चाइल्ड सेफ्टी लॉक होगा। ORVM, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट फोल्ड, सब कुछ यहाँ से हो जाएंगे। क्रोम में डोर हैंडल्स मिल जा रहे हैं, स्पीकर मिल जा रहा है, ट्विटर मिल जा रहा है, नीचे बॉटल होल्डर भी हमें यहाँ देखने के लिए मिल जा रहा है। अब कार में अंदर बैठने से पहले एक चीज और भाई, ड्राइवर साइड सीट हाइट एडजस्टमेंट है, रिक्लाइन एंगल सेट कर सकते हैं। और ये देख रहे हैं क्या बेहतरीन है, मतलब ये चीजें देखिए कितनी बेहतरीन सीट्स हैं। अंडर थाई सपोर्ट अगर मैं दिखाऊं आपको तो बेहतरीन, बहुत बढ़िया, स्कूप्स बहुत बढ़िया, और दोनों के दोनों एडजस्टेबल देखने के लिए मिल जा रहा है। अब बैठते हैं फाइनली कार के अंदर भाई, क्योंकि ऐसा है ना सारी चीजें बताना भी तो जरूरी है, कुछ रहना नहीं चाहिए भाई, कोई कसक ना रह जाए कि ये रह गया या वो रह गया, सारी चीजें होनी चाहिए एक साथ। कार के अंदर आ चुके हैं भाई, और कार के अंदर बैठते हैं, मतलब जो लग्जरी है इस कार की भाई जबरदस्त है। जो पुरानी वाली XUV आती थी ना, XUV 400 EV, ये इतना बड़ा म्यूजिक सिस्टम नहीं था, छोटा सा यहाँ मिल जाता, लेकिन भाई जबरदस्त इंटरफेस है इस बार इसका, बेहतरीन। और अगर इसकी बात करूँ, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार पे सबसे लेस है, और चीजें बहुत स्मूथ है यार, मतलब बेहतरीन, बिल्कुल बहुत सही, मतलब आनंद आ जाएगा लिटरली, अगर आप इसे अब यूज़ करेंगे तो मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल बेहतरीन सब कुछ आपको इसमें दिख भी जा रहा है। बाकी ये चीज़ बहुत बढ़िया लगती है भाई, कैसा भी कुछ भी दे दो ना, लेकिन ये ज़रूर देना चाहिए। बाकी रेंज वेंज सब कुछ अच्छा, आपको यहाँ से ये सब भी दिख जाएगा, जैसे 52% चार्ज है, 156 किलोमीटर की रेंज है, बहुत बढ़िया भाई, मतलब ये सारी चीज़ें भी यहाँ भी आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ ईजिली, होम पे आ गए ठीक है। बाकी इधर देखेंगे, स्टेयरिंग की बात करता हूँ, फ्लैट बॉटम मिल जा रहा है, क्रूज कंट्रोल, सारी चीज़ें MID की यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, बैटरी इन्फॉर्मेशन, ड्राइव इन्फॉर्मेशन, सब कुछ आपका यहाँ से इजीली चेंज होता रहेगा, देख रहे हैं बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें, बहुत बढ़िया हैं, यहीं से आप क्लिक कर कर आके सारी चीज़ें ईजिली देख सकते हो। बाकी तो अभी पार्क पर लगी हुई, तो पार्किंग हो गया, ये अपना स्पीडोमीटर हो गया, ऑडोमीटर, ट्रिप ब्रेक, सारी यहाँ से दिख जाती हैं, क्लियर है सारी चीज़ें, ठीक है डन। और बाकी इसमें मोड्स भी आते हैं काफी, वो मोड्स भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं, कौन से मोड में आपको चलाना है, जैसे फन वन सारे चीजें। बाकी अगर सेंट्रल में आते हैं तो भाई कुछ इस तरह का इंटरफेस है, ऑटोमेटिक AC मिल जाता है अपनों को यहाँ पर। बाकी इधर आप देखेंगे तो वायरलेस चार्जर मिल जा रहा है यहाँ पर अपनों को। बाकी इधर आप देखते हैं तो इस तरह का कुछ अपना डैशबोर्ड है, वेज एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में। अगर मैं यहाँ पे इसमें देखूँ भाई, गुफा है, गुफा ग्लव बॉक्स, इतना बड़ा ग्लव बॉक्स है अंदर तक, गहराई देखिए आप इसकी, बेहतरीन बिल्कुल। बाकी ये टेक्सचर भी काफी बढ़िया लग रहा है यहाँ पर, डन रिपोर्ट है। इधर देखते हैं तो भाई ये गियर नॉब हो गया अपना, बाकी ये ऐसा नहीं है आगे पीछे कहीं जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना, जैसे मैंने ये दबाया यहाँ पर ब्रेक, इसको आप रिवर्स में करेंगे तो ये रिवर्स डल जाएगा, लेकिन इसके लिए क्या है, कार स्टार्ट करनी पड़ेगी हमें, और कार स्टार्ट मैंने अभी की हुई नहीं है। जैसे मैं एक बार इसके बटन तो दबा देता हूँ तो देन दैट्स इट, कार हो गई स्टार्ट, रेडी टू ड्राइव। अभी ये क्या है, न्यूट्रल में मैंने करा रिवर्स में, अब लग गया रिवर्स। अब आप इसके कैमरे की क्वालिटी देख सकते हैं कितनी बेहतरीन है भाई, मतलब बढ़िया है, आप इतनी अच्छी नहीं कहोगे लेकिन ठीक है चीज़ें। इसको इस तरह से भी हम कर सकते हैं, इसको फिर कर लेते हैं, जब मैं इसे ड्राइव में आ गई और ये न्यूट्रल कर दिया तो ये हो गई, बंद कर देते हैं इसे, ठीक है डन बिल्कुल ओके। इधर आते हैं तो भाई यहाँ पर दो कप होल्डर मिल जा रहे हैं, बाकी की मैंने आपको दिखाई नहीं भाई, की इस तरह की है, लॉक अनलॉक होल्ड करके रखेंगे, बूट अनलॉक हो जाएगा, वही की दे देते हैं, लगाने की कहीं जगह नहीं है इसमें, बस बाहर से डोर वोर ओपन हो जाता है कभी अगर बैटरी डाउन है तो, अंदर क्योंकि पुश बटन स्टार्ट है अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो इस की का कहीं भी यूज़ नहीं होता है। पता नहीं महिंद्रा ये क्यों दे देती है, मारुति की तरह कुछ तो सीख लें उससे, वो छुपा के देते हैं, पता नहीं ये क्यों लोग दे देते हैं ऐसे। बाकी इधर आप देखेंगे तो आर्मरेस्ट कंपनी यहाँ पर आपको ऑफर कर दे रही है, और स्पेशियस आर्मरेस्ट आपको यहाँ देखने के लिए मिल जा रहा है। इधर आप ऊपर चीजों पे ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिक IRVM आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। इधर हम देखते हैं तो वैनिटी मिरर विद लाइट देखने के लिए मिल जा रहा है, यहाँ पर अपना सनग्लास होल्डर हो गया, ये लाइट्स अपनी कहाँ से जलेंगी, यहाँ से जलेंगी, हैलोजन में मिल जा रही है। बाकी एक चीज और बढ़िया आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कंपनी सन रूफ भी ऑफर कर दे रही है, पैनोरामिक नहीं है बट सन रूफ आपको मिल जा रही है यहाँ पर, ये अपना माइक हो गया बात बात करने के लिए। और इधर ध्यान देते हैं तो कुछ भी नहीं मिल रहा, वैनिटी मिरर तो छोड़िए, टिकट होल्डर भी नहीं है यहाँ पर।
ठीक है, डन रिपोर्ट है। तो ओवरऑल कुछ इस तरह से था यहाँ का इंटीरियर। अब पीछे वाली सीट पे चलते हो, वहाँ भी देखें हमें आखिरकार मिल क्या क्या रहा है गाड़ी में। अगर रियर साइड में देखते हैं भाई, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस है। गेट आप देखेंगे तो भाई ग्लॉसी ब्लैक, सॉफ्ट टच, सब कुछ मिल जा रहा है। स्पीकर मिल जा रहा है और डोर हैंडल इस तरह से हमें क्रोम के साथ मिल जा रहे हैं। भाई रियर साइड में आप चीज़ों पर ध्यान देंगे कि सामान रखा हुआ है कार में। यहाँ पर आपको रियर एसी वेंट, नीचे फोन वोन रखने का स्पेस मिल जाता है। और चीज़ों पर ध्यान देंगे तो सी टाइप चार्जिंग सॉकेट और नीचे की तरफ आपको 12 वोल्ट 120 वाट का भी यहाँ पर एक सॉकेट देखने के लिए मिल जाता है। कार में ऐसा नहीं है बेंच सीट दे दी गई हूँ आपको, प्रॉपर तीनों सीट्स तीनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल के साथ दी जाती हैं। 60-40 के रेशियो में सीट्स हैं अलग अलग, और बीच में आपको यहाँ पर आर्म रेस्ट भी इस कार में देखने के लिए मिल जाता है। भाई अगर भाई बात करूँ मैं इसकी मोटर की, तो इसमें जो हमें मोटर मिलती है वो हमें 456 मतलब मोटर इन द सेंस जो बैटरी मिलती है वो हमें 456 किलोमीटर की रेंज दे देती है निकाल के, जो कंपनी क्लेम कर रही है। भाई अगर बात करूँ उसकी पावर की, तो 148 bhp की पावर और 310 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के हमें ये गाड़ी दे देती है। भाई अगर 0 to 100 की बात करूँ तो लगभग 8.3 सेकंड में ये 0 to 100 पहुंच जाती है। वहीं सब बातों के बाद बात आती है भाई प्राइस की, आखिरकार इस कार का हमें रुपए कितने देने होते हैं। तो अगर इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो 17.5 लाख, लगभग 17,50,000 रुपए का एक्स शोरूम। और भाई अगर ऑन रोड की बात करूं तो यूपी के बरेली सिटी में लगभग मोटा मोटा आप मान सकते हैं 18.5 लाख रुपए की ऑन रोड आपको ये कार देखने के लिए मिल जाती है। चलिए तो कुछ इस तरह से थी अपनी कार। कार पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।